कार्तिक कहाँ हो तुम? तुम्हारे टेनिस क्लास जाने का समय हो रहा है। हाय, तुम सुबह चैट रूम में क्यों नहीं आए? हाय, ओह मेरे मम्मी पापा बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहे हैं, इसीलिए उनके साथ पैकिंग करवाने में बिजी था। तुम तो बहुत आराम से रह रहे होगे। मेरी फैमिली पूरी तरह से मेरे पापा पर निर्भर है, और क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो उनका आधा हिस्सा उनके ट्रीटमेंट में चला जाता है। अरे चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कार्तिक, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, हम उसे अस्पताल ले आए हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है। मेरे पापा कह रहे हैं कि उन्हें 5 लाख कम पड़ रहे हैं, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्या तुम हमारे लिए पैसे अरेंज कर सकते हो और मुझे पार्क में मिला? अरे सुनैना, डोंट वरी, मुझे पापा से पूछने दो, मैं जल्दी तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा। पापा, मेरे फ्रेंड को हेल्प चाहिए, वो बहुत परेशान है। बेटा कौन है ये फ्रेंड? तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं पापा, मैं उसको ऑनलाइन पर मिला था। ओ अच्छा। ओ नमस्ते कमला जी, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। हे फेक अकाउंट। क्या सुनैना फेक है? अरे बेटा तुम बहुत सीधे और भोले हो, लेकिन ऑनलाइन कुछ अनजान लोग तुम्हारी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और बेटा तुम इन चैट रूम्स के चक्कर में क्यों पड़ते हो जहां कोई अपनी असली पहचान नहीं बताता दूसरे को? अगर मैंने इस कॉन्टेक्ट को वेरीफाई करने का कदम नहीं उठाया होता तो क्या होता? अरे ये शख्स हमें फिर से लूट लेता। मेरी एडवाइस है कि ऑनलाइन लोगों पर भरोसा मत करो और किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम चैटिंग में व्यर्थ ना करो। हाँ पापा, ये मेरी गलती है, मैं अब से ध्यान रखूंगा।